सब्सक्राइब कीजिए सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको स्मोकिंग का डिफरेंट मेथड लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो हम पूरे अर्ज पे, ये छोटे अर्ज का कपड़ा है, 17 डबल करके 17 आता है इसका। इसको हम इस तरह से जहां पे स्मोकिंग करनी है उस एरिया में इस तरह से सीधी लाइंस लगा लेंगे। पेन का टिप जो होता है वो थोड़ा तीखा होता है, हम उल्टी साइड पे, जो फैब्रिक की उल्टी साइड है उस पे हम पेन से इस तरह से लाइनें लगा लेंगे। ये मैंने एक एक इंच के डिफरेंस पे लाइंस लगाई हैं। अब इसके ऊपर हम मशीन चलाएंगे और स्टार्ट जहां से करना है वो ध्यान रखना है कि करेंगे यहां से, जैसे ये निशान है यहीं से हम अपनी नीडल को फर्स्ट प्रिक जो होगा, अगर सभी का इक्वल आएगा, स्टार्टिंग मशीन से सभी इक्वल होगी तो आगे का जो है पिनटेक्स वो बड़ी इजीली और सफाई से बन जाएंगी। तो चलिए मशीन से अब इसको सिलाई लगाते हैं। मशीन का जो धागा है वो हम नंबर जो है वो फुल पे कर लेंगे, जैसे ये मशीन का यहां से पूरा ऊपर बड़ा टांका कर लेंगे, फिर हम पिनटेक्स डालेंगे। जो पूरी सिलाई का धागा है वो सेम होना चाहिए। जब हम सिलाई का एंड करते हैं, जैसे ये सिलाई हमने खत्म करी है, तो उसके बाद बिल्कुल धागा जो है उसके पास से नहीं काटेंगे, थोड़ा धागा छोड़ने के बाद इस तरह से लंबा धागा रखेंगे, फिर उसको थोड़ी दूरी से काटेंगे। पूरी सिलाई लगने के बाद जो एक साइड के धागे जो हमने लंबे वाले काटे थे, इसको हम इस तरह से नॉट लगा देंगे कि धागा खींचने से ये निकले ना। इस तरह से पूरा दोनों तरफ से देख लेंगे, बैक साइड पे और फ्रंट पे कोई भी धागा छूटे ना, इस तरह से पकड़कर हम उसको नॉट लगा देंगे। और दूसरी तरफ से जो सिलाई हमने लगाई है, दोनों के धागे जो है, ऊपर वाला धागा जो है वो अलग हम उसको नॉट लगा देंगे और बैक साइड का जो धागा है उसको अलग से इस तरह से टाई कर देंगे। दोनों को अगर आप कलर अलग रखें तो सॉर्ट आउट करने में काफ़ी इजी हो जाता है। ये धागे तो हमने एम्ब्रॉयडरी के बाद निकाल देने हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं और धागा मजबूत होना चाहिए जो जल्दी टूटे ना। तो अब इसको हम धागा खींचेंगे। धागा जो भी हम स्टार्ट करेंगे, चाहे बैक साइड से स्टार्ट कर लें चाहे फ्रंट साइड पे स्टार्ट कर लें, धागा हम जो हमने एक बार शुरू करा है खींचने के लिए उसी धागे को खींचेंगे। दोनों धागों को इकट्ठा नहीं खींचेंगे कि आप ये बैक साइड वाला धागा जो है वो भी खींचना शुरू कर दें और ऊपर वाला धागा वो भी, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक ही धागा, जैसे हम फ्रिल बनाते हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कॉटन की एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। इसमें एक ही कलर, ये शेडेड है, इसलिए मैं यही सिर्फ यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी ये फ्लैट बीड्स जो है, इसकी एक साइड फ्लैट है, हाफ बीड्स इसको बोलते हैं। और अगर ये अच्छे लगे तो ये भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ऑप्शनल है ये। और अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी एम्ब्रॉयडरी को। इसमें मैं 6 स्ट्रैंड ले रही हूँ, थ्रेड के बैक एंड पे मैंने नॉट लगा लिया। अब ये हम थोड़ा सा सीम अलाउंस छोड़ेंगे इसमें स्टार्ट करने से पहले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। और जो अगली उसके साथ वाली जो अगली सीम है उसमें से हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा स्टिच इस तरह से लेंगे। फिर उसी जगह से हम दोबारा इस तरह से स्टिच लेंगे। इसी तरह से हम पूरा पैटर्न जो है वो स्मोकिंग का पूरा कर लेंगे। सेम जैसे यहाँ पे बुलियन नॉट डाला है वहीं नीचे भी हम डाल के और बीड्स भी सेम यहीं पे लाइन लगा के बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।